बड़े बड़े स्टार है कि सब गाली गलौज भी कर लेते हैं फेसबुक पे आके, उसको वो गाड़ी दे देते उसको वो गाड़ी अपना गाना बजाने की। तो अभी मेन मुद्दा यही है एल्बम। इशारा किसकी तरफ है आपका? कौन ऐसा स्टार करता है? अब इशारा क्या करेंगे, वही लोग जो चौचो मोमो करते हैं उसको फायदा होता है। बच बचा के आप इंटरव्यू कर रहे हैं आज? नहीं बच बचा करने, लेकिन पब्लिक तो समझ जाएगी। सब कंट्रोवर्सी थोड़े है, सब राजनीति है। गाना गाने से पहले एक दूसरे का गाना रिलीज हो जाता है, ठीक है? ये राजनीति नहीं तो क्या है? अच्छा, बड़े बड़े लोग जो है कि तू तू मैया करके अपना टीआरपी के लिए करते हैं, क्या करते हैं राजनीति, तू सब हम नहीं करते हैं। अरे अपना गाना गाते हैं, अच्छे गाना गाएंगे, नहीं करेंगे ये राजनीति वगैरह। तो गाएं गाना कहीं नहीं चलेगा, चलता है गाना, देखिए मेरा सब गाना चलता है। जब से भेलो तोर बियाह छौरी सेट गे, कि जब से भेलो तोर बियाह छौरी सेट गे, आ तोरा याद में हम पीबौ सिगरेट गे, होई गेलियौ बदनाम गे रानी हम तोरा प्यार में। अरे जाई छी त जो खुश रहल करिहे अपना ससुराल में, अरे की चढ़ल जवानी छोए बरोह बनाइले, अरे की तबे सुरतिया खिलतौगे, आ भोला बाबा के जलवा चढ़े में तनी मन दुल्हा मिलतौगे। अरे की राजगीर पटना रांची, राजगीर पटना रांची छोड़े नैनीताल, हे गे जनुआ गे, हे गे जनुआ गे, चले मनाइ भाई मुंगेर नया सा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं मैथिली के सुपरस्टार सिंगर बंसीधर। आप सभी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, और आज खुशी की बात यह है कि न्यू ईयर भी है और आज बंसी भाई का बर्थडे भी है, तो बहुत शुभ अवसर पर इनसे मुलाकात हुई है। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। आज आपका बर्थडे है, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, वैसे ही करिए। और न्यू ईयर भी है, जो आपके फैंस हैं, चाहने वाले और जो चर्चा के सब्सक्राइबर परिवार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे न्यू ईयर के टाइम पे? जी जी, सबों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप हमेशा खूब इसी तरह खुश रहें, इस साल में भी खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। बंसी भाई, आप कम बोलते हैं मैं तो जानता हूँ, आप अपने गाने से लोगों को एंटरटेन करते हैं और कंट्रोवर्सी से काफी दूर रहते हैं। जिस हिसाब से भोजपुरी में कंट्रोवर्सी आए दिन होती रहती है, मैथिली में सुनने के लिए नहीं मिलती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब कंट्रोवर्सी थोड़े है, सब राजनीति है। अच्छा, ये राजनीति है जी। इस राजनीति से फायदा किसको होता है? वही लोग जो चौचो मोमो करते हैं उसको फायदा होता है। हाँ, और कुछ नहीं। आप लोग गाना गाते हैं, गाना मिलियंस में निकल जाता है, ना कोई कंट्रोवर्सी सुनाई देती है ना कुछ, लेकिन यहाँ गाना रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, तो इससे आप राजनीति समझते हैं? तो क्यों ना, अब गाना गाने से पहले एक दूसरे का गाना रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये राजनीति नहीं तो क्या है? अच्छा बंसी भाई, आप भोजपुरी गाने भी गाते हैं, मैथिली भी गाते हैं, मगही भी गाते हैं, मतलब देखा जाए तो कुल मिला के सभी लैंग्वेज में आपका हाथ पक्का और मजबूत है, लेकिन आपका जो बेस है, जो आपके फैंस की ताकत है, ज्यादा मैथिली में है। मैथिली में किस तरीके से अपने जो फैंस हैं उनको आप नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? एक गाना हम गाए हैं, अरे की राजगीर पटना रांची, राजगीर पटना रांची छोड़े नैनीताल, हे गे जनुआ गे, हे गे जनुआ गे, चले मनाई भाई मुंगेर नया साल। बहुत ही फेमस इलाका है मेरे तरफ का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर, वहाँ अनंत सिंह का कुछ नाम शायद याद आता है मुंगेर से। जी जी, वहाँ अनंत सिंह, हाँ बाहुबली, वो बहुत काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा। और अभी खास करके न्यू ईयर में सब लोग, हमको लग रहा है कि उधर जाते हैं आजू बाजू के पहाड़ी इलाका है। आज न्यू ईयर तो है ही, आपका बर्थडे भी है, लेकिन आज हम जहाँ बैठे हैं, आज सलमान भाई का जो स्टूडियो है उसका भी बर्थडे है, मतलब कि 6 साल कंप्लीट, शायद 7वां लग चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हम लोग को सलमान भाई बुलाए हैं, और मेरा बर्थडे था तो सलमान भाई स्पेशल मेरे लिए भी केक ला कर रखे थे। हाँ, तो हम सब भाई मिलकर काटे हैं। और यहाँ पे अक्सर आपके प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह ज्यादा आपकी यहाँ पे होती है? जी बिल्कुल, अभी कल ही तो शायद किए हम, दो गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ है, शूटिंग भी कंप्लीट हो गया उसका। अच्छा बंसी भाई, जब एक आदमी सुपरस्टार बन जाता है तो उसे अपने स्टारडम को संभाल के चलने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे भी सिंगर आए हैं जिनके जैसा, जैसे कि आपका पहला गाना हिट हुआ, उनका भी हिट हुआ, लेकिन आज वो फ्लॉप है, उन्हें कोई नहीं जानता पहचानता, मार्केट में ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम है, लेकिन लेना उचित नहीं होगा। तो ऐसा आपके साथ भी कभी ऐसा आया, एल्बम आपका हिट होने के बाद कभी ऐसा लगा या कोई राजनीति हुई कि बंसीधर को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अक्सर ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में।
होता है ऐसा हमको अभी तक देखते हैं। अभी हम किसी के बारे में कुछ बोला भी नहीं करते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं कि तू तू मैया करके अपना टीआरपी के लिए करते हैं, क्या करते हैं राजनीति, तू सब हम नहीं करते हैं। अरे अपना गाना गाते हैं, अच्छे गाना गाएंगे, नहीं करेंगे ये राजनीति वगैरह, तो गाएंगे गाना कहा नहीं चलेगा, चलता है गाना, देखिए मेरा सब गाना चलता है, चलता है सही बात। कहां तू तू मैया करते हैं। अच्छा आपके करियर में स्टार्टिंग से आज तक का सबसे अच्छा गाना, सबसे आपका फेवरेट गाना जो कि मार्केट में ब्लास्ट हुआ हो, कोई ऐसा एकाध गाना जो दर्शकों को न्यूयॉर्क टाइम पे सुनाना चाहें, कोई भी एक गाना। बहुत गाना गाए हम और बहुत गाना मेरा पॉपुलर भी हुआ जी। एक मतलब युवा युवा के दिल के लिए बहुत ही अच्छा गाना है, हम गाए रोमांटिक सॉन्ग। हाँ बहुत रोमांटिक सॉन्ग, थोड़ा मेरा सैड भी है इसमें। हाँ। कि जब से भेलौ तोर बियाह छौरी सेट गे, कि जब से भेलौ तोर बियाह छौरी सेट गे, आ तोरा याद में हम पीबौ सिकरेट गे, तोरा याद में हम पीबौ सिकरेट गे, कि जब से भेलौ तोर बियाह छौरी सेट गे, जिसका लव फेल हो जाता है। बाप रे बहुत एकदम इसी तरह का बहुत सारा गाना है। अब उतना तो कोई एक आध गाना हो जो भी आपको याद आ रहा हो। अच्छा एक और गाना गाए थे अरे की होई गेली अब बदनाम गे रानी, हम तोरा प्यार में, अरे जाई छी त जो खुश रहल करी हैं अपना ससुराल में। अच्छा बंशीधर चौधरी को हम लोग एल्बम में तो देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो बड़ा पर्दा होता है जिसमें सीटियां बजती हैं, बिसल्स बजता है, लोग दीवाने पागल हो जाते हैं, उसमें हम कब आपको देखेंगे, कोई प्लान है या फिर बस अभी एल्बम ही करना है? देखिए एक बात आप समझिए कि जमाना जो है ना 4G के 5G की ओर जा रहा है, चला गया। हाँ। और जो बड़े बड़े फिल्मी स्टार थे वो सब हमारे एल्बम को ओर आ गए, ठीक है। तो मॉल जो हॉल जो था वो सब हॉल जो है ना टूटकर मॉल बन गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिल्म भी आना चाहिए, लेकिन अभी के दौर में यूट्यूब है जो सबसे बड़ी मुद्दा है। आप देखे होंगे बड़े बड़े स्टार है कि सब गाली गलौज भी कर लेते हैं फेसबुक पे आके, उसको वो गाड़ी दे देते, उसको वो गाड़ी अपना गाना बजाने की। तो अभी मेन मुद्दा यही है एल्बम। इशारा किसकी तरफ है आपका, कौन ऐसा स्टार करता है? अभी इशारा क्या करेंगे, जो अभी बोल रहे हैं कि अभी एल्बम के दौर में वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बच बचा के आप इंटरव्यू कर रहे हैं आज? नहीं बच बचा कर नहीं, लेकिन तो, पब्लिक तो समझ जाएगी उसके।